कभी कभी भाव आ जाला, कुछ 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 यादें आ जाती हैं। मैं बचपन से गुलाम अली साहब का फैन हूं, उनके गायकी का। कभी कभी याद आ जाता है क्योंकि हम लोग इतने अच्छे माहौल में। पूछ कर मेरा पता बात राय राय मैं तो बन जा रहा हूँ क्या जाने किधर जाऊंगा। इतना टूटा हूँ कि रोने से बिखर जाऊंगा। पगल मर क्या है ना बेटा, देखो ये सब गायकी जब तक हाथ में हारमोनियम ना हो ना आनंद नहीं आ पाता। एक लाइन बॉस बॉस में हम जो सीखते हैं भैया से, मेरे मन मंजिल मेरा ठिकाना आगे का लाइन है। भूल ना था तो ये इकरार किया क्यों था, बेवफा तूने मुझे प्यार किया क्यों था। सिर्फ दो चार सवालात का मौका है। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। बॉस का एक लाइन है, रोने का देखो क्या है ना, अभी हम हो गए। एक लाइन का एक भजन जो मैं आज सुन रहा हूँ इसके मुंह से, इंटरनेशनल साला जी के मुंह से। इसके लिए बड़ा बड़ा रे ए बांध गया का ड्राइवर ड्राइवर जो था खाली भजन या जो मेरा पहले था वही था सी सी है ना। देखिए खाली भजन में रहते रहे सिर्फ कॉडी है जो बाप मेरा जो बाप मेरा रहा किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। मैं ये रियल गाना किसी का सुना नहीं बट लेकिन आपने जो गा दिया भैया भैया अरे बाप अरे बाप अरे बाप जो बाप
जब मैं जीत कर रहा था दीपक जी लखनऊ अपने सेंट्रम होटल में जहाँ मैं था वहाँ पे जो जिम कर रहा था मैं गुनगुना रहा था मुझे अचानक एक सुर आया इसी इसी ये जो पाप मेरा रहा ना हो जाए किशोरी कुछ किशोरी कुछ सनेहिया लगावल बहुत नजरिया चुरावल बहुत बात हो सनेहिया लगावल बहुत बात नहीं नजरिया चुरावल बहुत बात हो यही ये गाना गुनगुना रहा था इसका जो रियल ट्यून है यही था तुम्हें गुनगुनाए इसी को तोड़ के शायद ये भोजपुरी बना है ना सुनी जो तेरे दगा में कमा सुनी जो तेरे दगा में कमा रब को मर जा असरा धरावल बहुत बात लिखे अजिया रा जुड़ावल बहुत बात हो असरा धरावल बहुत बात लिखे अजिया रा जुड़ावल बहुत बात हो बहुत बात नहीं अजिया रा जुड़ावल बहुत बात हो ना सनेहिया लगावल बहुत बात नहीं नजरिया चुरावल बहुत बात दिल से बोलिए एक बार बार जितने हमारे भाई यहाँ पे खड़े हैं जय श्री राम जय श्री राम फिर मिले मिले अरे राम मत कितना सेल्फी खींचे वालों आओ पीछे पीछे एक सिर्फ सब सब लोग का बॉस बॉस सुन लीजिए
एक कलाकार के हाथ में जब माइक होता है तो वो कभी झूठ नहीं बोलता है। भैया से सीखले बनी गावत नहीं जा, हर कलाकार हर सिंगर वो सीखेला भैया से। लेकिन भैया अब जो गा दिए हैं और गा रहे हैं और जो आगे होगा, हम एक कलाकार के नाते बता रहे हैं, हमारी माँ नहीं, उस माँ मरी माँ की कसम खा के बोल रहे हैं, जीवन में ऐसा कोई मैंने कभी ऐसे सुर लगाते किसी को नहीं सुना भैया। हिंदी में भी खूब प्रोग्राम करनी, पंजाबी में भी खूब प्रोग्राम करनी, लेकिन जो आपकी छत्र छाया में मुझे मिल गया ना भैया, मैं आज यहाँ पे सभी लोग हैं, लेकिन मैं अपने बाप समान जिसको मानता हूँ, अपना एक आदर्श मानता हूँ, अपना गुरु मानता हूँ, मैं आज उनके चरणों में ऊपर झुक के मैं वो आशीर्वाद देना चाहता हूँ, ताकि आने वाले भविष्य में मैं भी एक अंश आपका पा जाऊंगा, मैं थोड़ा सा पा जाऊंगा तो शायद में भी मेरा भी कुछ नाम हो जाएगा। तो भैया इस भरे मंच पे एक बार आशीर्वाद। छोटे भाई विकास यादव के लिए एक बार ताली बजना चाहिए। ये मेरे भाई का प्यार बोल रहा है, इसका दुलार बोल रहा है, बेटा मैं सिर्फ यही जानता हूं कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैं जो कुछ भी हूं आप सभी का दुआ हूं, आप सबका प्यार हूं, आप सबका आशीर्वाद। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। पवन जी आप विकास यादव जी को इतना बढ़िया से आशीर्वाद दिए, मैं रियली बता रहा हूँ, आपसे पहले भी बताया कि भोजपुरी नहीं, आज की तारीख में जहाँ गायकी होती है उस गायकी में जिसे पारस पत्थर कहा जाता है, ये आदमी अगर केवल छू ले तो हमारे आपके जैसा लोहा भी सोना बन जाता है। और विकास यादव जी के लिए मैं चाहता हूँ, पवन जी और विकास यादव जी दोनों भाई के लिए एक बार ताली बजनी चाहिए। हाँ भाई, यहाँ आने के बाद, यहाँ से होने के बाद, यहाँ से भोजपुरी फिर खत्म हो जाता। भैया सही बोल रहा हूँ ना, यहाँ से भोजपुरी खत्म हो जाता अगर सब लोग मानते हो, जोर जोर हल्ला करके पर ताली बजाते जाएगा चारों तरफ से। चलिए चलिए चलिए, पैक कप 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 कप